सो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों आप सभी भाइयों को दोस्तों 50 रुपीज़ का पेटीएम किसका प्रॉफिट होने वाला है। तो प्लीज़ आप दोस्तों आज का वीडियो आप लोग बिल्कुल स्किप करके नहीं देखना, बिल्कुल न्यू एप्लीकेशन है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है हमारी सभी वीडियो पर दोस्तों 10 रुपये लगाकर 20 रुपीज़ का बिल्कुल फ्री में पेटीएम किसका गिव अवे चलता रहता है। तो दोस्तों इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जो वीडियो देख रहे इस वीडियो को लाइक कर देना होगा। दोस्तों आप लोगों के सामने एक छोटा सा रेड कलर का बटन दिखाई पड़ रहा होगा, सिंपल से आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप लोग इस पर क्लिक कर देते हैं तो दोस्तों आप लोगों के सामने एक बेल आइकन शो करेगा, आपको इस पर क्लिक करने के बाद में इसको ऑल पे प्रेस कर देना होगा। तो दोस्तों मैं यहाँ अपना कल वाला वीडियो ओपन कर लेता हूं। इसके बाद में दोस्तों मैं यहां से अपने कल वाले वीडियो का लिंक कॉपी कर लूंगा और चेक कर लेंगे दोस्तों कल वाले वीडियो के हमारे लकी विनर हमारे भाई यहां पे कौन बन चुके हैं। दोस्तों मैंने वीडियो का लिंक तो कॉपी कर लिया, सिंपल सा दोस्तों मैं अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेता हूं। जो भी लिंक कॉपी किया उस लिंक को मैं यहां पर पेस्ट कर देता हूं, नीचे मैं गेट वीडियो कमेंट के बटन पर क्लिक कर लेता हूं। इसके बाद में दोस्तों टोटल यहां पर हमारी 27 कमेंट आई हुई थी। भाई आप लोग अपने पेटीएम नंबर के साथ कमेंट करते रहना। दोस्तों मैं यहां पर स्टार्ट के बटन पर क्लिक कर दिया, यहां पर मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूं। आज के हमारे भाई लकी विनर बन चुके हैं, कंग्रेचुलेशन ब्रो। तो दोस्तों मैं भाई का नंबर यहां से कॉपी कर लेता हूं, सिंपल सा दोस्तों मैं अपना पेटीएम वॉलेट को ओपन करने के बाद में हम भाई को 10 रुपीज़ का पेटीएम कैश बिल्कुल फ्री में दोस्तों ट्रांसफर कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पेटीएम वॉलेट ओपन हो चुका है। जो भी नंबर मैंने कॉपी किया उस नंबर को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ दोस्तों। इसके बाद में नीचे मैं प्रोसीड के बटन पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं 10 रुपीज़ दोस्तों डाल देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 10 रुपये डाल दिया, सिंपल से पे वॉलेट पर क्लिक करता हूँ, हमारे सामने कंफर्म का बटन आ चुका है। दोस्तों मैं कंफर्म के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ से हमारी तरफ से 10 रुपीज़ का पेटीएम कैश हमारे भाई को ट्रांसफर हो चुका है। अगर जो आपको मिलता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। तो दोस्तों बिल्कुल रियल एप्लीकेशन है, यहाँ से दोस्तों आपको 50 रुपीज़ का पेटीएम कैश तो बिल्कुल दोस्तों प्रॉफिट होने ही होने वाला है। तो प्लीज़ सर वीडियो को आप लोग बिल्कुल स्किप करके नहीं देखना। तो दोस्तों एप्लीकेशन का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में आप लोग ओपन करेंगे, आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर दोस्तों साइन इन विद फोन नंबर का बटन मिलता है, आपको सिंपल से इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर दोस्तों सिंपल से आपको अपना पेटीएम नंबर डालना होगा, यहाँ पर अपना नाम डाल देना होगा। इसके बाद में पासवर्ड दोस्तों डालना होगा, तो आपको अपना नाम लिखना होगा। इसके बाद में डायरेक्ट लगाने के बाद में कुछ भी मतलब 1, 2, 3, 4 डाल देना। इसके बाद में पासवर्ड यहाँ पर सबमिट हो जाएगा, सिंपल से आपका रजिस्ट्रेशन का बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप लोग यहां पर क्लिक कर देते हैं तो दोस्तों आपके नंबर पे ओटीपी कोड जाएगा, उस ओटीपी कोड को यहां पर डालने के बाद में सिंपल से आपको वेरीफाई के बटन पर दोस्तों क्लिक करना होगा। इसके बाद में दोस्तों रेफर कोड आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, रेफर कोड को आपको जरूर डालना होगा, तभी दोस्तों मतलब इस एप्लीकेशन के अंदर आप लोग अर्निंग कर पाएंगे। तो रेफर कोड आपको डाल देने के बाद में सिंपल से आपको यहां पर नीचे सबमिट के बटन पर दोस्तों क्लिक करना होगा। इसके बाद में दोस्तों आपको यहां से अपना जेंडर को सिलेक्ट करना होगा, जो भी आपका जेंडर है। इसके बाद में दोस्तों आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस यहां पर ओपन हो जाता है। इसके बाद में दोस्तों इस एप्लीकेशन केवल स्टूडेंट के लिए, तो दोस्तों यहां पर आपका जो भी नाम है मतलब जो भी अपना स्टूडेंट है मतलब कॉलेज में आपका नाम, उस नाम को यहां पर डाल देना, सिंपल से आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना। अगर जो आप स्टूडेंट नहीं तभी इसको यूज कर सकते हैं, पर अपना कोई भी नाम डाल देना, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना। जैसे क्लिक करेंगे ऐसा इंटरफेस आएगा, यहां पर दोस्तों स्टेट ईयर बता रहा है, मतलब जो भी आपने मतलब कॉलेज में एडमिशन लिया था वहां से मतलब जो भी डेट उस डेट को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद में जब मतलब कॉलेज को आपने एंड किया उसको यहां पर सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद में नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने इस तरह का दोस्तों इंटरफेस आ जाता है, यहां पर सिंपल से दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, अपने कॉलेज को सिलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना होगा। अगर जो आपका कॉलेज नहीं इसमें मिलता है तो कुछ भी आप सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद में इस तरह का इंटरफेस आता है, यहाँ से दोस्तों आप म्यूजिक या फिर किसी को भी सिलेक्ट कर लेना। नीचे आपको यहाँ पर एक डन का बटन मिल जाता है, सिंपल से आपको डन के बटन पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद में दोस्तों एप्लीकेशन के अंदर अकाउंट आपका सक्सेसफुली बन जाएगा। इसके बाद में दोस्तों एप्लीकेशन के अंदर अकाउंट बनने के बाद में आपको यहाँ पर एक कॉलेज का बटन दिखाई पड़ रहा होगा, सिंपल से आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों हमारा वेरीफाई में पेंडिंग दिखाई पड़ रहा है, दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप लोग इस पर दोस्तों क्लिक करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसे आप लोग इस पे यहाँ पर क्लिक करते देते कर देते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारा पेंडिंग दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि दोस्तों मैंने इसको ऑलरेडी मतलब फिलअप करके रखा हुआ। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करते हैं दोस्तों आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर दोस्तों मतलब कुछ दूसरे हिसाब का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर 3 मतलब डिब्बे दिखाई पड़ेंगे, उसमें दोस्तों आपको मतलब जो भी आपके कॉलेज में मतलब आई कार्ड मिलता है, एडमिट कार्ड मिलता है, उसका दोस्तों आपको फोटो खींच लेना होगा। जो भी आई कार्ड मिलता है उसमें दोस्तों 3 आपको मतलब यहाँ पर डिब्बे दिखाई पड़ेंगे, उसमें आपको फोटो को अपलोड करना होगा। 3 में दोस्तों सेम फोटो को अपलोड करना होगा। जैसे आपको अपने गैलरी से भी अपलोड कर सकते हैं जो आपने ऑलरेडी फोटो को खींच के रखा है, या मतलब दोस्तों खींचते टाइम भी अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों सिंपल से आपको अपने आईडी कार्ड को यहां पर आई कार्ड को दोस्तों अपलोड कर देना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने आईडी कार्ड को मतलब आई कार्ड को ही अपलोड करना होगा। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करने के बाद में अपने आईडी कार्ड को दोस्तों यहाँ पर अपलोड कर देते हैं, यहाँ पर 24 घंटे बोलेगा दोस्तों, पर दोस्तों यहाँ से 4 या 5 घंटे में कहीं के दोस्तों वेरीफाई हो जाता है, कहीं के 24 घंटे भी ले लेता है। जैसे आपका यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है, आपको सिंपल से दोस्तों यहाँ पर जैसे कि हमारा अभी पेंडिंग में दिखाई पड़ रहा है, जैसे आपका वेरीफाई हो जाएगा बस सिंपल से दोस्तों आपको यहाँ से काम खत्म हो जाता है। इसके बाद में आप दोस्तों रेफर करके एक रेफर का यहाँ से आप 50 रुपये तक अर्निंग कर सकते हैं, सिंपल से दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ।
इसके बाद में दोस्तों आप लोगों के सामने स्टक इंटरफेस आता है। यहाँ पर दोस्तों एक मतलब आपको बैनर दिखाई पड़ रहा होगा, एक रेफर का आपको यहाँ से 50 रुपये का दोस्तों पेटीएम कैश रिसीव हो सकता है। सिंपल सा यहाँ पर रेफर एंड अर्न के बटन पर क्लिक करना होगा। दोस्तों मैं इस वाले बैनर पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो दोस्तों हमारे सामने स्टक इंटरफेस आएगा। यहाँ पर बताया गया दोस्तों एक इन्वाइट करेंगे, उसमें आपको एक स्क्रेच कार्ड मिलेगा। वहाँ पर दोस्तों 50 रुपये तक आपको उस स्क्रेच कार्ड के अंदर रुपये निकल सकता है। तो सिंपल सा आपको इन्वाइट करने के लिए यहाँ पर दोस्तों इन्वाइट का बटन मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक करना होगा, अपने फ्रेंड को रेफर कर देना होगा। जैसे आप अपने फ्रेंड को रेफर करते हैं, आपका फ्रेंड मतलब आपका आईडी कार्ड, वो अपना आईडी कार्ड डालने के बाद में जैसे वेरीफाई कर लेता है, आपको एक मतलब स्क्रेच कार्ड मिल जाएगा। जैसे आप इसको स्क्रेच करते हैं दोस्तों, आपको वहां से 50 रुपये का पेटीएम कैश निकल सकता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आपको रिडीम लेने के लिए सिंपल से दोस्तों आपको बाइक करना होगा। बाइक करने के बाद में आपको 3 डॉट के बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप लोग यहाँ पर 3 डॉट के बटन पर क्लिक कर देते हैं तो दोस्तों आपको सिंपल सा यहाँ पर एक व्हाट्सअप का आइकन मिलता, मतलब यहाँ पर सॉरी दोस्तों यहाँ पर आपको वॉलेट का बटन मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको यहाँ पर जैसे आपके मतलब जैसे हमारे यहाँ पर 500 कॉइन है तो मतलब कॉइन मिल चुके, हमारे कोई भी काम अपने नहीं आने वाले हैं। आपको जो भी रेफर करेंगे रेफर का कॉइन आपको बैलेंस यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। जब भी दिखाई पड़ेगा, जब आपने मतलब आईडी कार्ड को डालने के बाद में आप वेरीफाई कर लेंगे, यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। जब भी आपका वेरीफाई हो जाएगा अपने फ्रेंड को आपको रेफर करना। आप वेरीफाई नहीं कर, अगर जो आपका रेफर मतलब वेरीफाई नहीं होता तब भी आप सबमिट कर देना, इसके बाद में आप रेफर कर सकते हैं। जैसे रेफर कर देंगे आपका मतलब वेरीफाई हो जाएगा, जो भी आप रेफर किए होंगे वो भी दोस्तों आपको यहाँ पर स्क्रीन कार्ड शो करेंगे। अभी नहीं शो कर रहे क्योंकि दोस्तों अभी हमारा वेरीफाई नहीं हुआ। जैसे आप वेरीफाई कर लेते हैं अपने फ्रेंड को दोस्तों रेफर कर लेते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपका स्क्रीन कार्ड मतलब शो करेंगे। तो सिंपल सा दोस्तों आपको यहाँ पर एक रिडीम का बटन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना। जैसे आप रिडीम का बटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, आप लोगों के सामने दो आइकन वहाँ पर शो करेंगे, एक दोस्तों कॉइन का बटन होगा या कि नीचे आपको मतलब पेटीएम का आइकन होगा। तो आपको कॉइन वाले बटन पर बिल्कुल सिलेक्ट नहीं करना, आपको सिंपल सा आपको वहाँ पर एक पेटीएम का आइकन दिखाई पड़ेगा, उसको सिलेक्ट करना। जो भी आप रेफर करेंगे, जो भी मतलब मिनिमम रिडीम 1 रुपये का जो भी पेमेंट मिलेगा आपको, अपना पेटीएम नंबर डालने के बाद में दोस्तों कन्फर्म पेटीएम नंबर डालने के बाद में रिडीम कर लेना, इंस्टेंट पेटीएम कैश मिल जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल रियल एप्लीकेशन है, जाकर डाउनलोड कर।